मोदी जी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो। मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। नाथूराम मिर्जा जी की पहुंची में किसान राजनीति में उनके जिक्र के बिना किसान राजनीति का अध्याय पूरा नहीं होता। किस तरह से उस इलाके में जो विकास के काम, उनकी जो सोच थी दूरगामी, उसे किस तरह से आगे लेके जाएंगे, और मोदी जी के जो सपने हैं उनको किस तरह से धरातल पर उतारेंगे आप नागौर में? देखिए, ये तो एक तय बात है कि पार्टी का जिस तरीके का हमारा बीजेपी का जो एजेंडा है वो मोदी जी, मतलब कोई आदमी माइक पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि ये मेरी गारंटी है। और मोदी जी ने ये एक नई एक दिशा दी है, और मतलब जितने कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं तो उन्हीं के पार्टी के सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोगों के बीच में जा कर के जो मोदी जी कहते हैं तो हम ये वादा कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि जनरली पार्टियां क्या करती है, वादा करती हैं और उसके बाद में उसको निभाती नहीं है, तो उलाहने लेने वाला काम हो जाता है। तो मोदी जी के साथ में वो चीज़ नहीं है, और हम भी जा करके और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि भाई जो पार्टी आप लोगों से वादा कर रही है उसको निभाएगी, ये उनकी गारंटी है। तो जो पृष्ठभूमि रही है वो किसान वर्ग से रही है। तो मैं समझती हूँ कि जब राज रिपीट हो गया जब बीजेपी का, तो उसमें भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों की, जवानों की, महिलाओं की अच्छी भागीदारी कर सके, उनके जो मुद्दे हैं उनको आगे लेकर के बढ़ सके, लोगों के बीच में जा सके, और जब सरकार बने तब उनको और आगे बढ़ा सकें। आपको हराने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर साजिश से षड्यंत्र होंगे, किस तरह से ज्योति मिर्जा मुकाबला करेगी? देखिए, तो राजनीति का मुझे लगता है कि एक हिस्सा है, लोग यहाँ पे कोलैबोरेट करने की बजाय ज़्यादा इसको कॉम्पिटिटिव समझने लग गए। तो जनता के हाथ में असली ताकत होती है, और मुझे लगता है कि इस बार जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से कल से जब से टिकट अनाउंस हुई है तब से जो बधाई के फ़ोन आ रहे हैं, जिन लोगों ने बधाइयाँ दी है और लोगों ने बोला कि साहब हम आपके साथ कभी पहले नहीं रहे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया लेकिन इस बार हम आपकी वजह से बीजेपी को वोट देंगे, तो मुझे लगता है ग्राउंड पे इसका एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है, और वो इस बारी पूरी तरह से मतलब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, तो किस तरह से आपको लगता है कि इसमें आप एक डेवलपमेंट की दिशा में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं चुनाव ये तो देखिए हमेशा ही होता है कि अगर केंद्र में सरकार आती है, राज्य में सरकार होती है, तो एक आपस में उनका अच्छा तालमेल रहता है और उससे ज़्यादा काम करवाए जा सकते हैं पब्लिक के। तो लोगों को भी ये विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरी बहुमत के साथ में बनी, तो अब लोगों का वैसे भी मोदी जी के प्रति तो विशेष लगाव रहता है कि भाई अगर नीचे सरकार कोई और भी बन रही होती है तो भी कहते हैं भाई ऊपर तो देश में मोदी जी सबसे बढ़िया हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ किंतु परंतु वाला मुद्दा है, जो होगा अच्छा ही होगा, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी।